नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये पीस लिली का प्लांट, जो कि एक इंडोर प्लांट है और मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसे परचेज़ किया है। और आप देख सकते हैं प्लांट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, हेल्दी है। इसकी जो लीव्स वगैरह हैं बहुत ही अच्छा इनका कलर है, एंड इनके जो टिप हैं वो भी मतलब परफेक्टली ग्रीन कलर के हैं। तो मुझे ये प्लांट काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे सारे ही प्लांट एक्चुअली बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गए हैं। तो मैं आपको जब इनका प्राइस बताऊंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से मिले हैं और जो इनका प्राइस है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपको जो आपके एरिया है उसके अकॉर्डिंगली ये प्लांट्स के जो रेट्स हैं वो थोड़े बहुत हाई या लो लग सकते हैं, पर मुझे तो प्लांट बहुत अच्छे लगे। तो ये जो प्लांट है इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो लीव्स वगैरह हैं उनमें से कट्स या थोड़ा बहुत डैमेज है, जो कि वहाँ उठाने रखने की वजह से हो जाता है। वहाँ बहुत सारे प्लांट्स थे तो उनकी वजह से एक दूसरे के साथ ये टकरा गए। और ये वाली जो लीफ है ये तो बहुत ही डैमेज है, इसे तो मैं अभी कट करके हटा दूँगी। और बाकी के सारे जो लीव्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, प्लांट काफ़ी हेल्दी है, ग्रोइंग कंडीशन में है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है मैंने परचेस किया है। ये जो प्लांट है ये मुझे 200 रुपीज़ का मिला है। तो जो प्लांट है काफ़ी बड़ा है, एरी की आप साइज में, ये साइज में काफ़ी बड़ा है और बहुत हेल्दी है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये जो प्राइस है बहुत ही अच्छे लगे, सही लगे। और अब मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी, हो सकता है रिपोर्टिंग का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप किसी भी प्लांट के बारे में जो इंडिविजुअल प्लांट हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका वीडियो भी अवेलेबल करा दूँगी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये गोल्डन मनी प्लांट, बड़ी लीफ वाला, जो कि बड़ी पत्ती वाला जो मनी प्लांट होता है वो है। आप देख सकते हैं ये जो पत्तियां हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। ये देखिए आप, मैं आपको टच करके दिखाती हूँ, ये देखिए आप कितनी बड़ी हैं इसकी जो पत्तियां हैं वो हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो रेगुलर मनी प्लांट होता है उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और जो प्लांट है ये भी मुझे अच्छी कंडीशन में मिला है, इसका जो रूट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, तो ये इस तरीके से मिला है, इस पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और इसकी जो पत्तियाँ हैं इनका साइज़ तो बहुत ही बड़ा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये है इनका साइज और इसमें इस तरीके से ये गोल्डन गोल्डन कलर भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ओवरऑल ये जो प्लांट है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, और अभी आप जब इसके प्राइस सुनेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा पसंद आएगा आपको, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल गया है। ये देखिए आप इसकी पत्तियाँ, ये जब प्लांट इसकी जब रिपोर्टिंग करूँगी तो ये प्लांट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ये प्लांट है। ये देखिए आप इतनी बड़ी पत्तियाँ, इतना अच्छा प्लांट, ये कुछ इस तरीके से है। इसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं पर ये काफ़ी जो थोड़ा सा अनमैनेज्ड वे में यहाँ वहाँ फैली हुई हैं, तो इनको मैं इस मॉस स्टिक के सहारे सपोर्ट दूंगी। और ये जो मॉस स्टिक है ये मुझे इस प्लांट के साथ ही रिसीव हुआ है। ये देखिए आप इसकी पत्ती, एक पत्ती तो ये इस तरीके से बाहर जा रही है, जो कि काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। नेक्स्ट जो प्लांट है वो भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, और वो है ये मल्टी कलर वाला क्रोटॉन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका कलर है। और ये देखिए आप इसका लुक बहुत ही अच्छा है ना। तो ये जो है ये नर्सरी के पॉट में ही लगा हुआ है, देख लीजिए आप इस तरीके से। और इसकी जो पत्तियां हैं इस पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जो कि मैंने अभी तक एक्चुअली ये वाला जो क्रोटॉन है ये नहीं देखा था, तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसकी कुछ लीव्स जो हैं वो इस तरीके से कर्ल भी हैं, ये देखिए आप,
और इसमें कलर्स बहुत सारे हैं। दूर से ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे साइड इसकी कुछ ब्राउन कुछ ब्लैक कलर में लीव्स हैं, कुछ पिंक कलर भी हैं, कुछ का रेड कलर है तो कुछ का येलो कलर है, ग्रीन भी है। तो बहुत सारे ढेर सारे इसके जो पत्तियां हैं उस पर कलर और पैटर्न हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, इसलिए ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो प्राइस है वो मुझे 200 रुपीज़ मिला, जो कि इस प्लांट के अकॉर्डिंग एकदम सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसका प्राइस कैसा लगा। तो ये है मेरा क्रोटन का प्लांट जिसे मैंने नर्सरी से बाय किया है। ये बहुत ही अच्छे एक पॉट में भी है जिसे हमें अभी रिपॉट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो सॉइल वगैरह है बहुत ही अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। तो बस ये प्लांट मुझे 200 रुपीज़ में मिला है। नेक्स्ट जो प्लांट हैं वो ये दो जरबेरा के प्लांट हैं। जरबेरा भी एक इंडोर प्लांट है जो कि इंडोर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। तो ये एक जरबेरा का प्लांट है जो कि इस तरीके से नर्सरी के पॉट में लगा हुआ है और छोटे से गमले में ये लगा है। और आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। तो ये एक रेड कलर का फ्लावर है, ये देखिए थोड़ा पिंक सा दिख रहा है शायद कैमरे में, बट ये जो है ये प्योर रेड कलर का इसका जो फ्लावर है वो है। तो इसमें चार फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ ही में एक ये बड भी है जो कि जल्दी ही ब्लूम करेगी। और ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है और मुझे 150 रुपीज़ में ये प्लांट मिला है। पर इसकी जो कुछ पत्तियाँ वगैरह हैं वो इस तरीके से नीचे साइड से ये कुछ सूखी हुई सी लग रही हैं, ख़राब सी लग रही हैं, तो इनको मैं हटा दूँगी इस तरीके से। और इस जो पॉट है इसको मैं अभी रिपॉट भी नहीं करूँगी, कुछ टाइम और उसको ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद जब मैं इसका रिपॉटिंग करूँगी तब मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो भी एक और ये जरबेरा का ही प्लांट है जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये भी एक गमले में लगा हुआ है नर्सरी के पॉट में। इसकी जो मिट्टी है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। और जो रूट सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, प्लांट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। थोड़ी सी जो लीव्स बर्निंग वाली प्रॉब्लम है वो इसमें दिख रही है, अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। और ये जो प्लांट है इसका जो फ्लावर है उसका कलर ऑरेंज और येलो कलर है। ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस प्लांट पे एक ही फ्लावर है अभी, आप देख सकते हैं इन दोनों की जो फ्लावर पैटर्न है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये ऑरेंज वाला है जिसमें कि इस तरीके से और डबल पेटल में ये ऑरेंज कलर है और साथ ही साथ येलो कलर भी है एंड सेंटर में कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये जो प्लांट है इसका फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और वहाँ पे और कलर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने ये दो कलर लिए हैं अभी। बट फ्यूचर में मैं और भी जरबेरा के प्लांट्स परचेज करूँगी तो उनका वीडियो भी मैं आपको दूँगी। और ये जो रेड है ये देखिए आप, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि देखने में अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये आप कहीं भी रखते हैं, इंडोर रखते हैं तो आपके रूम का आपके टेबल का सब जगह का जो लुक है वो एकदम से चेंज कर देता है। बहुत ही प्यारा सा ये प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, एकदम बुके जैसा ये लग रहा है जिसमें कि बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। तो ये इतने प्लांट्स मैंने अभी नर्सरी से बाय किए हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर मैं किसी का जो प्राइस है वो बताना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी इनका जो प्राइस है वो। बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस तरीके से किले के जो मिट्टी के पॉट्स हैं वो लिए हैं, 4 पॉट मैंने लिए हैं नर्सरी से जो कि इस तरीके से हैं।
इनका साइज़ एकदम परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगे, डिज़ाइन भी अच्छा है और मिट्टी के जो गमले होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये चार मैंने टोटल पॉट हैं जो अभी ख़रीदे हैं और इनका प्राइस है 40 रुपीज़। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो पॉट हैं इनका प्राइस कैसा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह और थैंक यू, बाय बाय।